Hello everyone and welcome back to my channel. So today's recipe is the crispy chili baby corn recipe and it's the crunchiest recipe ever. Perfect appetizer. Just try it once and you will be in love with this recipe. So let's get over to the video. Let's quickly check out the ingredients now. 250 grams of baby corn cut into halves and washed thoroughly. Some vegetables like capsicum, onion, spring onion, chopped garlic and grated ginger. 3 tablespoons of all-purpose flour and 2 tablespoons of cornflour. Red hot and sweet sauce, vinegar and soya sauce and some salt. अगर आपका सॉस स्वीट नहीं है तो आप थोड़ा हनी ले सकते हैं. चलिए यहाँ पे मैंने पानी ऑलरेडी चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए. इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं एंड थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे. इसे मिक्स कर लेते हैं. अब इसमें हम बेबी कॉर्न्स डाल देंगे. इन्हें हमें बॉईल करना है 5 to 7 मिनट्स के लिए ताकि ये टेंडर हो जाएं एंड हल्के से पक जाएं. इन्हें बॉईल होने देते हैं. मीनवाइल हम यहाँ पे एक बैटर तैयार कर लेते हैं. एक मिक्सिंग बोल लीजिए. इसमें मैदा डालेंगे यानी ऑल पर्पज़ फ्लावर, कॉर्नफ्लावर एंड सम सॉल्ट. इसे मिक्स कर लेते हैं. अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे एंड एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे जो ना बहुत थिक हो एंड ना बहुत फ्लोई हो. इसे आपको अच्छे से विस्क कर लेना है ताकि कोई लम्स नहीं रहे. ये देखिए बैटर रेडी हो गया हमारा एंड बेबी कॉर्न्स भी हो गए हैं यहाँ पे. इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में. अच्छे टेंडर हो गए हैं ये. इन्हें हमें ड्रॉप कर देना है इस बैटर में. बेबी कॉर्न्स को हमें कोट करना है इस बैटर में इसलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. मेक श्योर सारे बेबी कॉर्न्स कोट हो जाएं. आप देख सकते हो ये बैटर बहुत ज़्यादा थिक नहीं है. मैंने यहाँ पे ऑयल भी रख दिया था 5 मिनट्स पहले गर्म होने के लिए. इसमें हम बेबी कॉर्न्स को ड्रॉप कर देते हैं. जैसे ही आपका तेल गर्म हो जाए उसके बाद ही ड्रॉप करिएगा. एक एक करके ही ड्रॉप करना है हमें वरना ये आपस में स्टिक हो जाएंगे. ये देखिए सारे बेबी कॉर्न्स को प्लेस कर दिया है मैंने. इन्हें हमें डीप फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्प नहीं हो जाते. फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखना है. देखिए बेबी कॉर्न्स गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं. इस प्रोसेस को मैं थोड़ा स्पीड अप कर दूंगी यानी वीडियो थोड़ा स्पीड अप कर दूंगी. देखिए टोटल टाइम 10 to 15 मिनट्स लगा है इन्हें अच्छे गोल्डन ब्राउन करने में. इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में. मेक श्योर आपने टिश्यू पेपर या किचन टॉवल का यूज़ किया है ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए. सारे बेबी कॉर्न्स को निकाल लेते हैं. देखिए ये कितने क्रिस्प लग रहे हैं. अब हम यहाँ पे सॉस की तैयारी करते हैं. एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है एंड इसको थोड़ा हीट अप करते हैं. जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम सारी वेजिटेबल्स डालेंगे. सबसे पहले जिंजर एंड गार्लिक डालेंगे. सॉटे देम फॉर अ मिनट और टू. अब हम बाकी की वेजिटेबल्स डालेंगे जैसे अनियंस,
capsicum and some spring onion. आप चाहें तो इसमें corn and broccoli भी का भी use कर सकते हैं अगर आप उसको खाते हो तो. Mix कर लेते हैं. इन्हें हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, soft नहीं करना है, इसलिए बस एक मिनट के लिए ही हम इसे सोटे करेंगे ताकि इसका crunch बरकरार रहे. ये देखिए आफ्टर अ मिनट. अब इसमें हम सॉसेस डाल लेते हैं. सोया सॉस, रेड चिली सॉस. ये मैगी का हॉट एंड स्वीट सॉस है जो कि थोड़ा स्वीट भी होता है. और अगर आपके पास कोई दूसरा सॉस है तो आप इसमें आप थोड़ा सा हनी, एक स्पून हनी या एक स्पून शुगर डाल सकते हैं थोड़ा टैंगी फ्लेवर के लिए. मिक्स कर लेते हैं ऐसे. एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च डाला है पानी में डाइल्यूट करके इसका पेस्ट बना के ताकि थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी हो जाए. थोड़ा सा स्वीट डालने से इसका टेस्ट और एनहांस हो जाता है एंड अच्छा स्वीट एंड टैंगी फ्लेवर आता है. बेबी कॉर्न्स को भी ड्रॉप कर दिया है मैंने. मिक्स कर लेते हैं. मेक श्योर टू ऐड सम सॉल्ट एंड थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, अराउंड 1 टेबल स्पून. इसे मिक्स कर लेते हैं. नाउ वी हैव टू जस्ट कुक देम फॉर अ मिनट और टू, नॉट मोर देन दैट, जब तक कि नमक डाइल्यूट हो जाए अच्छे से. ये देखिए हो गया है ये हमारा बेबी कॉर्न. गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं एंड इसे सर्व कर लेते हैं. आई एम श्योर आपको बेबी कॉर्न का क्रंच साफ दिख रहा होगा. ये देखिए जस्ट टॉप इट विथ सम स्प्रिंग ऑनियंस. ये देखिए हमारा स्वीट एंड सार चिली बेबी कॉर्न रेडी है. इसे ज़रूर ट्राई करेगा एंड यू विल लव इट. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.